गोसाईगंज में हुए दोहरे अपहरण कांड का पुलिस ने 24 घंटे में ही खुलासा कर दिया है। पुलिस ने अपहरण हुए व्यापारी और उसके नौकर को फतेहगढ़ से बरामद किया है। अपहरण करने वालों के दो साथियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कन्नौज एसपी का कहना है कि अपहरण को अंजाम देने वाले कुछ बदमाश भी जल्द गिरफ्त में होंगे। फरुखाबाद के हिस्ट्री सीटर ने अपने साथियों के साथ मिल अपहरण क्यों किया, इसका जवाब पुलिस के पास अभी नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिलीप कुमार गुप्ता। दिलीप जी, जिनका अपहरण हुआ तो वो आपके कौन थे? वो मेरे चाचा जी के बेटे हैं। क्या हुआ था, कैसे जानकारी हुई थी आपको? किसी ने फोन किया नंबर से कि भैया मुझे खाद चाहिए तो मुझे भेज दीजिए। उस समय 7:33 का समय था। हमने अपने चाचा घर को फ़ोन किया तो बेटा ग्राहक है दुकान पे, चले जाओ। वो वहाँ पहुँचा लगभग 8:00, वहाँ कोई नहीं था। उसने फिर पलट के फ़ोन किया मुझे कि यहाँ कोई नहीं। जिस नंबर से कॉल आई थी उसको मैंने कॉल की, उसने कहा हम पहुँच रहे 5 मिनट से 7 मिनट में। तो वहाँ खड़ा रहा, उसने शटर खोला, उसने अपना लेबर बुला लिया। वो लेबर दोनों लोग खड़े रहे, शटर खुला हुआ था। इसके साथ उसने जो है उसी समय गाड़ी बैक करके लगाई बोलेरो और उसमें दोनों को बिठा लिया, दोनों को बंद कर दिया। जब वो चिल्लाए तो आसपास थोड़ी दूरी थी, लगभग 50 मीटर दूरी से गल्ला अड़ती हैं आजम का। उन्होंने देखा कि कोई बोलेरो में कोई बैठा के ले जा रहा है, तो उन्होंने सबसे पहले कोतवाली फ़ोन किया, इसके बाद हमको फ़ोन किया। हमारे पहुँचने से पहले पुलिस पहुंच गई घटनास्थल। अपहरण जब किया गया तो उसके पश्चात आप लोगों को क्या किसी प्रकार का कोई फोन कॉल आई जिसमें प्रौती जगह? उस समय नहीं है, उसके 1 घंटे बाद फोन आया। क्या बोला गया तब? उस समय बोला अगर आपको अपना भाई चाहिए तो 30 लाख रुपए की व्यवस्था करना। 30 लाख रुपए मांगे जाते हैं। फिर पुलिस ने कैसे क्या किया और बरामद हो गया है भाई आपका? जी बरामद हो गया, अभी आ जाएगा आप लोगों के सामने। पुलिस का बहुत ही अच्छा सराहनीय रोल, पुलिस पुरस्कार करने के योग्य है। पुलिस विभाग ने हमारा लोगों जिला सहयोग किया, ईश्वर की बहुत बहुत कामना रही। अपहरण हुआ था कल शाम, 24 घंटे में रिकवर हो गया। 24 घंटे में रिकवर हो गया। कन्नौज पुलिस का धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जनपद कन्नौज में थाना गुरसहायगंज क्षेत्र में दिनांक 15 जुलाई को एक व्यापारी का उसके एक नौकर के साथ अपहरण होने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस सूचना के संबंध में पुलिस द्वारा तत्काल टीमें गठित कर और उस व्यापारी की सकुशल बरामदगी के प्रयास जारी कर दिए गए थे। 24 घंटे के अंदर अंदर कन्नौज पुलिस द्वारा जो अपहृत हैं उनको सकुशल बरामद कर लिया गया है और 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें एक का नाम रामेस्टर और दूसरे का नाम भूपेंद्र है। ये फतेहगढ़ का रहने वाला है। फतेहगढ़ से ही जो अपहृत व्यक्ति है उसे उसके नौकर के साथ रिकवर किया गया। जो ये रामेस्टर है ये फतेहगढ़ का हिस्ट्री सीटर है और इसके विरुद्ध 32 मुकदमे हैं। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य नाम भी सामने आए हैं जो भी फरार चल रहे हैं, उनको शीघ्र ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जो अपहृत व्यक्ति है वो सकुशल है और इस पूरे घटनाक्रम में जो हमारी टीम लगी थी, जिसमें इंस्पेक्टर शिवरामो, हमारे इंस्पेक्टर प्रभारी SOG, सब इंस्पेक्टर SOG, CO नगर और CO तिरवा, और इन सबको लीड कर रहे थे हमारे अपर पुलिस अधीक्षक अरविंद गौर जी। इस पूरी टीम की मनोबल को बढ़ाने के लिए पुलिस महानिरीक्षक परिक्षेत्र द्वारा 50,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया है। सर, ये जो अपहरण का अंजाम दिया गया था, ये दिया गया था कि खाद बेचने के बहाने उस व्यापारी को उस दुकान पे बुलाया गया था। ये थोड़ा सा रात्रि का समय था और ये जो दुकान है थोड़ा उत्तर पे थी, तो व्यापारी अपने नौकर के साथ एक अपनी मोटरसाइकिल में उस अपनी दुकान पर आया, जो कि थोड़ा सुनसान स्थान पर थी। वहीं पर बोलेरो सवार इन अपराधियों ने उसका अपहरण कर लिया था। जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि हम इस पर पूरी विवेचना कर रहे हैं, कुछ अभी पुलिस में फरार चल रहे हैं और इन सबको सामने ला करके जो भी इसमें दोषी होगा उस सबके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।